गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन। नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सप्लेन द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मीन्स डेमोक्रेसी कहाँ प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती, इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली इंस्टेबिलिटी मीन्स अंडर डेमोक्रेसी लीडर एंड पॉलिटिकल पार्टीज कीप चेंजिंग, दिस लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो स्टेबल नहीं होती है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो चेंज हो जाती है। इस रीज़न से अगर कोई भी पॉलिसीज, कोई भी रूल्स या लॉ बनाए जाते हैं तो वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं। इसी रीज़न इंस्टेबिलिटी बनी रहती है और जिससे कोई भी पॉलिसीज टाइम से वर्क नहीं कर पाती है। नेक्स्ट लॉ मॉरलिटी। डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका मेन वर्क होता है क्या करती हैं, बहुत लंबी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हमको बताती हैं, बहुत सारे हम बहुत चेंज लाएंगे पब्लिक के वेलफेयर में, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जो एक पावर प्ले का गेम चलता है मीन्स ओनली जब पावर मिल जाती है तो जो भी पॉलिसीज, जो भी इश्यूज पे वो चेंज लाना चाहते थे ऐसा वो नहीं करते, बस इसलिए लॉ ऑफ मॉरलिटी। नेक्स्ट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ऑल डिसीजन आर टू अप्रूव एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन आर टू बी कंसल्टेड, सो इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी अगर डिसीजन लेना हो वो ईजिली नहीं लिया जाता, काफ़ी लंबी नेगोशिएट के बाद, डिस्कशन के बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो जो डिसीजन मेकिंग का जो मुद्दा होता है वो काफ़ी डिले हो जाता है। इस डिसीजन कभी कभी उसमें 1 मंथ 3 मंथ तक का टाइम लग जाता है, सो इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। बैड डिसीजन एज मोस्ट ऑफ द लीडर्स डू नॉट नाउ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कभी कभी कुछ पार्टीज होती हैं या कुछ लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो पब्लिक के वेलफेयर में है या नहीं है। ऐसे में वो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो पब्लिक के फेवर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है करप्शन। एज द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इट लीड्स टू करप्शन, मैनी पॉलिटिकल पार्टी यूज मजल्स एंड मनी पावर टू कम टू पावर। एक डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी वैसे वर्ल्ड की आज सबसे फेवरेट गवर्नमेंट पॉलिसी है कि डेमोक्रेसी अपनाती है हर कंट्री, बट डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा करप्शन भी पाया जाता है। किस तरह, बिकॉज आज जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर प्ले के गेम में पावर को लेने के लिए अपने मनी मसल पावर सबका यूज कर देती हैं, एक कॉम्पिटिशन बना होता है, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन होता है बस जीत का कि हमें जीतना है, किसी तरह से पावर को अपने हैंड में लेना है, इस तरह से करप्शन जो है वो फैलता है। इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वोटर्स आर इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस, सो दे इलेक्ट रॉन्ग कैंडिडेट्स। लाइक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इंडिया का ही ले लेते हैं, इंडिया में जो वोटर्स हैं वो अधिकतर इलिटरेट हैं। जब इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन हुए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्टेड वोटर्स थे। अब ऐसे में उनको क्या चीज़ उनके वेलफेयर के लिए है क्या नहीं वो नहीं समझ सकते थे, वो ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अपने चूज़ कर लेते हैं जो बस उनके लिए अच्छे अच्छे, या फिर उनको ड्रीम सिखाता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम 24 आवर्स बिजली देंगे या हम लोन फ्री कर देंगे, मतलब जो एक नए नए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बताता है, ऐसे लोगों को चूज़ कर लेते हैं। और जो जब उनको पावर मिल जाती है वो पब्लिक के फेवर में काम नहीं करते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री वोटर्स आर इलिटरेट, अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो कैसे हैं, इलिटरेट हैं और पॉलिटिकली अनकॉन्शियस हैं, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में इतनी समझ नहीं है, सो दे इलेक्ट रॉन्ग कैंडिडेट्स, इस रीज़न से वो क्या करते हैं रॉन्ग कैंडिडेट्स को चूज कर लेते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।